हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफान और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प कैसे बनाते हैं। नॉर्मली जब आप किसी शॉप पर जाते हैं उनको बोलते हैं कि ब्लेंडिंग स्टम्प दे दें, वो कहते हैं वो क्या होता है। तो इसी वजह से आप लोग फिर कहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। ऑनलाइन जाते हैं तो उसके बाद एक तो इतना महंगा होता है और ऊपर से आप लोगों को फिर डिलीवरी फीस देनी होती है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसी वजह से फिर लोग यूट्यूब पर आते हैं, कहते हैं होम मेड कैसे बनाते हैं। तो आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि होम मेड कैसे बनाते हैं और चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आप लोगों को ब्लेंडिंग स्टम्प बनाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होंगे, तीन मटेरियल्स। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होंगे तीन पेपर, नॉर्मल कोई भी पेपर, जैसे मैंने उठाए हैं। आप लोग A4 पेपर, कोई भी पेपर, फोटोकॉपी पेपर, कोई पेपर आप उठा सकते हैं। साथ में आप लोग को चाहिए होगी एक टेप, किसी भी तरह की टेप हो जो आपके घर में अवेलेबल हो। साथ में आप लोग को चाहिए होगा लास्टली सैंड पेपर। अगर सैंड पेपर नहीं है तो आप लोग कटर से भी कर सकते हो, लेकिन सैंड पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी बीच में मैं थोड़ा ख़राब हुआ हुआ, लेकिन साइड से सही है, साइड से हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने पहले भी ब्लेंडिंग स्टम्प बनाया था तो इसी वजह से वाइट वाइट आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को इधर से स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं करने वाला हूँ, आपको सब पेपर इस तरह करना है। आपने एक पेपर को लेना है, उसको ऐसे करना है कि वो स्क्वायर की शेप में आ जाए, और यहाँ से आपने काट लेना है। मैं काट के आप लोग के काटने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। तो गाइस, मैं अपने सारे पेपर्स को इस तरह काट लिया। आप वैसे कि देख सकते हैं तीनों पेपर हैं। अब इनको आप लोगों ने सबसे पहले अपने पेपर को लेना है और साइड से इसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पतला पतला बारीकी से आप लोगों ने इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने एक और पेपर को लेना है, जैसे मैं ले रहा हूँ, और इसको यहाँ से आप लोगों ने कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, यही मैं एक और पेपर को लूँगा, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो गाइस, आखिर में आपके पास ये बच जाएगा, और इसमें आप लोगों ने एक मास्किंग टेप लेनी है या कोई भी टेप आपके पास जो हो, उसको आप लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है कि ये फिर से निकले ना, और बिल्कुल टाइटली आप लोगों ने लगानी है। उसके बाद आप चेक करना है जो सबसे मोटी साइड होगी, जैसे ये है, तो इसको हम लोग यहाँ से काट लेंगे। तो गाइस, अभी मैंने कैंची ले ली है, और जिस जगह पे आप लोग को ज़्यादा हार्ड लग रहा है वहाँ पे आप लोगों ने ऐसे के काट लेना है। तो गाइस, अभी ये कट गया है, अभी हम लोग पीछे से हल्का से इसको उधर से काट देंगे। तो गाइस, ये पीछे से भी काट लिया है। अभी आप लोग को चाहिए होगा सैंड पेपर, और उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने इसको रगड़ना है। तो गाइस, आखिर में आप लोग के पास ऐसे करके आ जाएगा। इसको हम लोग ज़्यादा नुकीला नहीं बनाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी साइड पे करते हैं इसको। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प तो बन गया। आप लोगों को मैं फिर दिखाता हूँ शेडिंग करके। पहले मैं शेडिंग कर लेता हूँ, उसका ब्लेंडिंग करता हूँ। गाइस, जैसे शेडिंग हो गई है, मैंने अभी यूज़ किया था लेकिन वो क्लिप अच्छी नहीं थी, तो मैं फिर से आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंस कि कितना अच्छे से वो हुआ है, ब्लेंड हुआ है, देख सकते हैं। आप लोग अगर सारी इंस्ट्रक्शन मेरी फॉलो करें किस तरह का बनाना है, तो आप इजीली इस तरह बना पाएंगे। और आप लोग को मैंने एक बात बतानी है। तो गाइस, जिस जिस स्टेप से मैंने आप लोग को बताया है, सेम उसी तरह का आप लोगों ने बनाना है, तो आप इस तरह का इजीली ब्लेंडिंग स्टम्प बना सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लेंडिंग स्टम्प खरीदा नहीं है, इसी वजह से मैं बनाता हूँ, इसी वजह से मैं अच्छे से होते हैं। आप जितना थिक करना चाहें उसके साथ थिक कर सकते हैं, ना थिन करना चाहें थिन कर सकते हैं। उतने कम आप पेपर ऐड करें, ज़्यादा आप पेपर ऐड करें। अगर आप देख सकते हैं इसकी यूज़ किया, जब भी इस तरह ब्लैक हो जाए तो आप उसको सैंड पेपर के ऊपर यूज़ करें, ईजिली वाइट फिर से हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलेंगे कल। ओके, बाय।